खेल का कोई मैदान नहीं है। ऐसे अध्यक्ष की जरूरत है जो इंटरलॉकिंग हुई है, अति सुंदर समर्थन मिला, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। स्वावलंबी बन करके कर वृद्धि आवश्यकता से देख रहे हैं संगम टीवी, मैं हूं आपके साथ अजय प्रजापति। चुनावी चर्चा में इस समय हम मौजूद हैं सुमेरपुर के इमिलिया में। देखा जा रहा है यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी के कुछ कैंडिडेट हैं और जो उम्मीदवार हैं उनके द्वारा जो यहाँ पर वोट मांगने का कार्य किया जा रहा है, कहें तो जो है आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार यहाँ पर किया जा रहा है। इनसे बातचीत करेंगे किन मुद्दों को लेकर के जो चुनाव मैदान पे आए हुए हैं, क्या इनके एजेंडे हैं, किस तरीके से नगर का विकास करेंगे। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे जो आम आदमी पार्टी से जो उम्मीदवार हैं जिन्हें लोग गुरुजी के नाम से जानते हैं, तो आप जो है किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर जो है चुनावी मैदान पे आए हुए हैं। मैं कैलाश प्रसाद सोनी आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी, अध्यक्ष पद का प्रत्याशी, अभी 31 मार्च को सेवानिवृत्त होने के बाद गांव के बहुत लोगों ने मुझसे ये बात रखी थी कि मास्टर साहब आपकी सेवाएं नगर के विभिन्न सामाजिक कार्यों में रही हैं, शैक्षिक कार्यों में रही हैं और अभी आप स्वस्थ और हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप जो है नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हों और नगर को एक बेहतर ग्रीन और क्लीन जो है नगर देने के लिए जो है परम पूज्य स्वामी रोटीराम महाराज की तपस्थली को जो है विकास की ओर ले जाएं। मैंने जनाधार की इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए मैं आम आदमी पार्टी झाड़ू चुनाव चिन्ह से चुनाव मैदान में हूं। जनता की बात करें तो जनता से कैसा आशीर्वाद मिल रहा है, क्या अपेक्षा है? जनता भरपूर जो है सहयोग दे रही है, जनता में बड़ा उत्साह है और सभी लोग कहते हैं कि हमारे नगर के लिए एक ऐसे अध्यक्ष की जरूरत है जो सर्व सुलभ हो, जो सबको सहज उपलब्ध हो जाए और जिसकी आम बात जो है हर व्यक्ति अपनी अध्यक्ष से कह सके, अध्यक्ष उसकी बात को मान करके और जो है विकास की ओर नगर को ले जाने में अग्रसर हो, तो इसलिए मुझे हर वार्ड में बहुत ही सुंदर समर्थन मिल रहा है। लोग जो है मुझे बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं और कहते हैं कि निश्चित रूप से परम पूज्य स्वामी जी की इस तपस्थली में जो है आप जैसे सहज व्यक्ति, सरल व्यक्ति की जरूरत है और आप जो है निश्चित रूप से विजय श्री को प्राप्त करेंगे। देखा जा रहा है सुमेरपुर में 40-40 प्रत्याशी जो है किस्मत अजमा रहे हैं, तो इसमें जो है बड़ा एक घमासान देखा जा रहा है तो चल रहा है, तमाम लोग तरह तरह के दावे करते हैं और सभी लोग जो यही कहते हैं कि उनको जो है कहीं ना कहीं अच्छा जो बहुमत मिलने वाला है, तो आप किस तरीके से जो है 40 प्रत्याशियों में से आप जो फाइट कर पाएंगे? मैं जन सामान्य के सहज मुद्दे को लेकर चल रहा हूँ। शिक्षक के रूप में मैंने बेहतर शिक्षा के द्वारा एक अच्छा जो है सम्मान प्राप्त किया है, मैंने अच्छा परिणाम दिया है, आज हर घर में मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, 38 लड़कियां और 22 लड़के तो केवल शिक्षा विभाग में हैं जो मेरे यहाँ से निकले हैं। नगर के विकास के लिए एक अवसर मिला था 2007 में पिछला अनुदान के रूप में, मेरी पत्नी रानी देवी वार्ड नंबर 15 से जो इस समय 17 है वहां से सभासद थी, उस समय जो है पिछला अनुदान का 2 करोड़ मेरे माध्यम से हमारे नगर को प्राप्त हुआ। चेयरमैन जी के प्रयास और बोर्ड की सहमत से उस समय 1 करोड़ नई बस्तियों में खर्च हुआ और 1 करोड़ पूरे नगर में खर्च हुआ। उस समय नई बस्तियों के 18 रास्ते बने जो मुख्य मार्गों से जुड़े और हर वार्ड के 2-2 रास्ते बने, जिससे जो है सबसे पहले हमारे नगर में जो है सीसी का कार हुआ। क्या क्या कहें, वही जो आपका जो पुराना काम है क्या उसी को जो है लेकर के आप चुनावी मैदान पर हैं, क्या उसी से जो है आपको जो है आशीर्वाद मिलने वाला है? नहीं, आज हमारे नगर में खेल का कोई मैदान नहीं है। तत्कालीन जिलाधिकारी माननीय बीपी नीरत्न जी के द्वारा जो है, तत्कालीन अध्यक्ष जी के द्वारा मैंने एक मांग पत्र के द्वारा बच्चों के लिए मिनी स्टेडियम की मांग की थी, उन्होंने
गायत्री तपोभूमि के बगल में मिनी स्टेडियम का शिलान्यास भी किया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बच्चों के लिए वो खेल का मैदान आज तक नहीं बन पाया और बच्चे जो है इधर उधर खेलते हैं। तो मेरी प्राथमिकता होगी कि बच्चों के लिए एक बेहतर खेल का मैदान हो। उन्होंने बनवाने को आश्वासन दिया था लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। तो हम ये बेसिक विद्यालयों को वहां का सुंदरीकरण करके उनको बहुत बेहतर बनाएंगे और शिक्षा की प्राथमिकता मेरे प्रथम एजेंडे में है। एक बृहत पुस्तकालय हमारे नगर में हो जहां पर जो है उच्च कक्षाओं के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चे तैयार हों, एक ऐसा भी मेरा प्रयास होगा। चलिए, जैसा कि देखा जा रहा है आप शिक्षक रहे हैं, इस समय आप जो है नहीं है, तो आप चुनावी जो है मैदान पे आए हुए हैं। तो जो भी किसी की अगर शुरुआत होती है जीवन की, जब वो अच्छे की तरफ जब जाता है, तो यानी कि आपके ही आशीर्वाद से जाता है। पहले जो है पाठशाला माता पिता होते हैं, इसके बाद में शिक्षक ही उसको जो है एक ऊंचे स्तर तक भेजता है, यानी कहें आईएसओ पीसीएसओ कोई भी, मतलब आप ही के द्वारा जो है वो तैयार किया जाता है। यहाँ तक कि जो है अगर हम बात करें जो है वैज्ञानिक भी बनते हैं, तो आप ही के आशीर्वाद से, आप ही के जो है उससे जो बनते हैं। तो आप सुमेरपुर के लोगों को ऐसा क्या देंगे जिससे कि जो है शिक्षक होने के साथ साथ आप जो है कुछ अच्छा करें, जिससे सुमेरपुर के लोगों का, लोग यहाँ के जो है बच्चों का जो है आगे और विकास हो सके? बच्चों के विकास के लिए बेहतर शिक्षा संस्थानों के साथ हम एक निशुल्क कोचिंग संस्थान देंगे, जहाँ पर बच्चे आगे प्रतियोगिताओं के लिए और सर्विसों के लिए जो है तैयारी कर सकेंगे। और हम बालिकाओं के समग्र शैक्षिक विकास के लिए सिलाई कढ़ाई पेंटिंग के क्लासेस तैयार करके उनको तकनीकी और कौशल विकास की ओर जो है ले जाने का विकास करेंगे, जिससे हमारी माताएं बहनें आत्मनिर्भर बने और जो है स्वावलंबी बन करके अपने परिवार का पालन पोषण करने में स्वयं सक्षम हो। हमारा इस ओर भी जो है कार्य करने की योजना है। प्रशिक्षण निःशुल्क आपकी तरफ से दिया जाएगा या फिर जो है ऐसे कोई सेंटर की व्यवस्था की जाएगी जिसमें शुल्क दे के ऐसा प्रशिक्षण? निःशुल्क, जब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी सुमेरपुर में, सबसे पहले मैंने जो है सिलाई कढ़ाई पेंटिंग और जो है ब्यूटी पार्लर की पहली कक्षा जो है साक्षरता, नगर साक्षरता समिति की ओर से खोली थी और जहां से बहुत लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया था। और आज उसी केंद्र से अनेकों जो है हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर है और अनेकों जो है सिलाई कढ़ाई पेंटिंग के केंद्र चल रहे हैं और सभी वार्डों के बालिकाओं ने उसमें जो है हिस्सा लिया था, और जिसका जो है मुझे जो है आज बड़ा गर्व होता है कि वो जो है मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ जाने कितने सिलाई कढ़ाई केंद्र है, वो सब हमारे यहाँ से ही निकले थे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बात करें अगर पार्टी की, तो आपने आम आदमी पार्टी ही क्यों चुना? इसलिए कि ये पार्टी आम लोगों की पार्टी है, आम लोग इससे जुड़े हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा जो है वो नहीं है। स्थानीय चुनाव तो व्यक्तिगत होता है, लेकिन इसकी विचारधारा ने मुझको प्रभावित किया कि जो व्यक्ति सर्व सुलभ हो और आम लोगों के जनजीवन से जुड़ा हो, इसलिए मैंने इस पार्टी को स्वीकार किया है। चर्चा में ये भी है कि आपने जो है दावा किया है, अब किया है कि नहीं मुझे नहीं जानकारी, ये आप ही बताएंगे कि अगर आपकी सरकार यहाँ पर बनती है तो आप जो है बिजली पानी के बिल जो है माफ करेंगे? मैं जैसा कि एजेंडे में है, क्योंकि बहुत से जो है क्या कहते हैं, अभी कर वृद्धि हमारे यहाँ हुई थी और कर वृद्धि आवश्यकता से ज्यादा हुई थी, तो हमारे एजेंडे में है कि हम कर वृद्धि को आधा करेंगे और जो वाटर फंड है, मतलब जो जैसे अब हमारे यहाँ कोई नल नहीं लगा है, लेकिन जब हमने जो है ये प्रमाण पत्र बनवाया तो उस समय हमको 700 रुपए बिना उसके देना पड़े। तो नगर पंचायत में जिनके यहाँ नल लगे हैं टंकी से, वो तो अपना बिल देंगे, लेकिन जिनके यहाँ नल नहीं लगे हैं वो जो है जमीन के माध्यम से जो जैसे 700 रुपए हमसे खुद लिया गया, वो हम माफ करेंगे। बिल्कुल, जैसे कि देखा जा रहा है तमाम प्रत्याशियों के बीच में आप भी जो है आम आदमी पार्टी से एक उम्मीदवार हैं, कहीं ना कहीं अपेक्षा रखते होंगे कि आपको जो अच्छा आशीर्वाद मिल रहा होगा या मिलेगा। तो वही चर्चाओं में है कि आप जो है लड़ाई में नहीं आते हैं, किसी का जो है आम आदमी की तरफ ध्यान ही नहीं आकर्षित होता है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे?
ये तो जनता की अदालत है, मैं जनता की अदालत में जा रहा हूं और अगर मेरी भावनाओं को और मेरे जो है कार्यक्रमों को लोग पसंद करेंगे तो मैं उनका जो है आशीर्वाद का कांक्षी बनूंगा, क्योंकि ये तो जनता की अदालत है, जनता जिसे स्वीकार करती है उसको वो मानना चाहिए। जैसे देखा जा रहा है कस्बे में तमाम जो है बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगारी फैली हुई है, इस पर जो है आपका कैसे ध्यान आकर्षित हो रहा है? हमारे यहाँ फैक्ट्रियां चल रही हैं और 30% जो है हमारे नगर का आरक्षण होना चाहिए, इसके लिए हम पहल करेंगे और उनसे जो है अपने ही स्थान नगर के युवाओं को जो हमारे यहाँ बेरोजगार हैं उनको प्राथमिकता के तौर पर भर्ती करने के लिए हम अपनी पहल करेंगे, जिससे हमारे नगर की बेरोजगारी की समस्या जो है हल हो सके। बिल्कुल, देखा जाता है यहाँ सुमेरपुर कस्बे में तमाम फैक्ट्रियां हैं लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों को जो है काम नहीं दिया जाता, कहीं ना कहीं इस पर भी जो है गुरु जी का जो है ध्यान आकर्षित हो रहा है और ये जो है आगे आने वाले समय पे जो है लोगों के लिए लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं और कुछ कार्यकर्ता है, जरा इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हो भैया? कौशलेंद्र कुमार। आप भी गुरु जी के साथ में हैं, क्या जो है किस प्रकार से इनका साथ दे रहे हैं, आप क्या सोचकर साथ दे रहे हैं? देखिए गुरु जी बहुत ही बड़े शिक्षक रहे हैं यहाँ के, उनके सहयोग से इस नगर का विकास हुआ है। शिक्षण के कार्य में मैं भी हूँ काफी दिनों से और मेरा शौक भी रहा है शिक्षा का, तो उसपे तो हम लोग काम करेंगे ही करेंगे गुरु जी के साथ मिलके। बाकी बिजली पानी रोडों की मरम्मत और जो भी कच्चे रास्ते जहाँ पे व्यक्ति नहीं जा सकते हैं बरसात में, उनको भी पहली सूची में उनको कार्य में रखा जाएगा, सब वार्ड का ख्याल रखा जाएगा। आप ये बताइए आप इनके साथ क्यों लगे हैं, क्या पर्पज है इनके साथ लगने का? जैसा कि लोग देखते हैं कि युवा प्रत्याशी ढूंढते हैं, कहते हैं युवा सोच रहेगी, तो आप जो है क्या सोच के? एक तो मेन मुद्दा है कि आम आदमी पार्टी जो कि इसकी विचारधारा सर्वजन हित में है, धर्म कास्ट इनसे परे है और हर नगर का हर बड़े शहर का विकास चाहती है, देश का विकास चाहती है, इन सब चीजों को देखते हुए इस पार्टी से मेरा लगाव हुआ। अभी मैं बुंदेलखंड यूथ विंग महासचिव के पद पे कार्यरत हूँ और गुरु जी का आशीर्वाद मिल रहा है, नगर को आगे बढ़ाना है, सुमेरपुर का विकास जो भी होना चाहिए एज ए है ना इंडस्ट्रियल एरिया वो हो नहीं पाया 20-25-30 साल में और शिक्षा तो एकदम गर्त में जा चुकी है। तो ये बहुत सारी योजनाएं हम नई नई योजनाएं लाएंगे गुरु जी के माध्यम से, यदि जीतते हैं और नगर का विकास करेंगे और हम चाहेंगे कि सुमेरपुर नगर ना ही ना बुंदेलखंड में बल्कि पूरे राज्य में एक अच्छे नगर की तरह देखा जाए और हम जो भी होगा देश के कार्य हित में भी कार्य करते रहेंगे, इस पार्टी के माध्यम से कर सकते हैं क्योंकि ये सर्वजन हित की पार्टी है। बिल्कुल, देखा ये थी जो है उम्मीदवारों की सोच जो जिन्होंने बताया कि सुमेरपुर के लिए क्या करेंगे। अब रही बारी और आगे चलने की, आगे जो है चलेंगे और कुछ प्रत्याशी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या सोचकर जो है चुनावी दंगल पे जो है एक दांव मारने की जो है तैयारी पर हैं। और हमारे साथ में अभी बाबा हैं, जरा इनसे बात करेंगे। आप केवल ये बताइए, आप किसी का नाम मत लीजिएगा, कैसा अब यहाँ प्रत्याशी आप चाहते हैं, कैसे व्यक्ति को कुर्सी पे बैठाना चाहते हैं? बिल्कुल बेस्ट आदमी चाहिए जिसके लिए पब्लिक भूखी है, बिना राजा के तो राजा यहाँ तक अभी तक ठीक नहीं मिला, ठीक नहीं मिला। अब ऐसे किसी व्यक्ति को बैठाना चाहते हैं जो सब पब्लिक का मन हो, अगर मिल जाए, बेस्ट आदमी है, सार्वजनिक है, आप तो उसका डिस्कशन ले चुके, शिक्षक है, शिक्षक को कोई शिक्षा देने की जरूरत नहीं, इतने मेरा कहना तो मतलब बेस्ट आदमी है, मार्मिक आदमी है, धार्मिक आदमी है, सब चीज। यानी कि इस बार जो है यहाँ की जनता ये चाहती है कि ऐसा कोई व्यक्ति आए जिससे जो हम इतना सहज होना चाहिए कि जिससे हम अपनी बात जो है कह सकें और जो है हमारी जो बात को अच्छे से वो सुन सके भाई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।